हे गाइस, तो मैं लेके आ चुका हूँ सैमसंग स्मार्टफोन की क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट। ये यानी कि सैमसंग के कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर हर 3 से 4 महीने पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो दी जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का मिड रेंज या फिर से बजट का लेटेस्ट स्मार्टफोन है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर जो है वो कब कब अपडेट मिलने वाली। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस, S10 ई, S10 5G, S10 लाइट, Note 10, Note 10 5G, Note 10 प्लस, Note 10 प्लस 5G, Note 10 लाइट, A40, A22, A22 ई 5G, A22 5G, A32, A32 5G, A72, A82 5G, A03, A03S, A03 Quad, A13, A13 5G, A23, A23 5G, A33 5G, A73 5G, A04, A04S, A04E, A14 5G, M21 2021 Edition, M22, M32, M32 5G, M42 5G, M52 5G, M62, M13, M23 5G, M33 5G, M53 5G, M04 F22, F42 5G, F52 5G, F62, F13, F04 Galaxy Tab, A7 Lite Tab, A8 Tab, Active Pro Tab, Active 3 Tab, Active 4 Pro Tab, S6 Lite Tab, S7 Tab, S7 FE Tab, S8 Tab, S8 Plus Tab, S8 Ultra, वहीं पे Galaxy Fold, Fold 5G and Samsung Galaxy A50, X-Cover 4S, X-Cover Fold Pro और एक्स कवर प्रो। तो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ना वो हर 3 से 4 महीने पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड की जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर करेंटली देखने के लिए मिलेगी ना, उसे काफ़ी हद तक फिक्स किया जाएगा उस अपडेट के अंदर। तो आज की इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।